नाट्य दल के द्वारा शनिवार को गोलघर चेतना तिराहे पर जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। जिसके संबंध में नाट्य दल के गुलाम हसन खान ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जब जागो तभी सवेरा का मंचन किया गया, जिसमें पर्यावरण, स्वच्छता व डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटक में लोगों को यह बताया गया है कि पेड़ों की देखभाल करें व अपने आसपास कहीं भी जल जमाव ना होने दें, क्योंकि जल जमाव होने से डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। इस अवसर पर पूनम, प्रियंका शर्मा, ईश्वर चंद्र राव, उपेंद्र तिवारी, ब्रिजेश दुबे, रोहित, प्रियांशु सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर नाट्य दल के गुलाम हसन खान ने कहा, सरकार चाहती है कि आपका स्वास्थ्य सही रहे और अपने शहर का, शहर गोरखपुर का सरकार चाहती है कि आप सुंदर हो, स्वस्थ हो। यहाँ से पर्यावरण का जो मामला बन रहा है, प्रदूषण का जो मामला बन रहा है, अभी हमारे को इस गोरखपुर में नाट्य दल गोरखपुर की तरफ से 3 दिवसीय 5,000 लोगों की मृत्यु हो जा रही है और उससे कैसे बचे हम इस नाटक के माध्यम से आपको दिखाएंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम स्थल पर आ जाए ताकि आपको धरती पर मानव कुछ गलती कर रहा है, समझ आया? चंद और मून को बुलाया जाए। ये बताओ कि यहाँ पे तमाम सारी आत्माओं का पूरी ब्लाइंड है, तमाम सारी आत्माएं वेटिंग में है और तो और तमाम सारे लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है इस यम लोक में। तो आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ धरती पर जा रहे हैं और आत्माओं को ले रहे हैं? इसका कोई काम है कि नहीं आपके पास? देखिए महाराज, हमारा यही काम है कि जो लोग धरती के मुंह हो जाते हैं उनकी आत्माओं को लेकर हम ये लोग में आते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी पर जो है कई तरह की गंभीर बीमारियां जो है अपना तेजी से हाथ पर पसार रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का अकाल मृत्यु हो जा रहा है। इस वजह से आत्माओं का मेला जो है हमारे जंगलों में धकाधक लगा चला जा रहा है। सिग्रेटी इन दोनों दूतों को यहाँ से पृथ्वी ले भेजो और पृथ्वी लोग पे ये पता लगाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ये सबको रोकना होगा। इसलिए दूधों को पृथ्वी पर भेजा जाए। तमाम सारी मानव गलती कर रहा है, उस गलतियों को हमें रोकना है, समझे? और उसके बाद हमें मानव को मानव मित्र बनाना है, पर्यावरण मित्र बनाना है, ठीक है? लोगों को जागरूक करने का काम करना है और वहाँ सबको समझाना है। एकदम सही, जाओगे धरती पर और वहाँ पता लगाओ, पता लगाने के बाद उसका क्या कारण है, क्या निवारण है, दोनों करके आना, ठीक है? ठीक है महाराज, आप जैसे सुखों के चाहिए, हम और चंद और मुन हम दोनों धरती पर जाते हैं, कारण और निवारण दोनों वहाँ समस्याओं का समाधान करके आते हैं। ठीक है, जाओ तुम धरती लोग पे। जाइए, जाइए। महाराज ने हम दोनों को आदेश दे दिया है कि पृथ्वी लोग चलना है, जाना है, तो बिना विलंब किए हम और तुम चलते हैं पृथ्वी लोग। लेकिन एक काम करना है, बताओ, हम लोगों को दूत बन के नहीं चलना है, पृथ्वी पर मानव बन के ही चलना है, वरना दूत बन के जाएंगे तो लोग डर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हमारी बातों को समझेंगे नहीं, तो पृथ्वी पर हम लोगों को मानव बन के ही चलना है ताकि उन लोगों के साथ हम लोग घुल मिल जाए और उनकी समस्या जान ले, उसको समाधान कर ले। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो चल चलते हैं, विलंब करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
अच्छा देखो मित्र, जब हम पहले यहाँ आया करते थे तो यहाँ का माहौल ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो है तमाम पौधे हुआ करते थे, तालाब पोखरे कुआं हुआ करता था। वही मैं सोचा हाँ कि हम कहीं दूसरे जगह तो नहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो कि पहले जो भी पोखरे वगैरह थे तालाब पट के ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। यही तो माना लापरवाही कर रहा है मित्र, पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, तालाब पोखरे कुएं को काटे जा रहे हैं। देखो इतनी सारी जो है पेड़ कट चुकी है, इसके वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो गया है, पर्यावरण दूषित हो गया है, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि तमाम तरीके का जो बीमारी अपना हाथ पर बहुत देर से आप पहुँचा रहा है। इन्हीं सब की वजह से, इन्हीं सब की वजह से हो रहा है, मानव लापरवाही कर रहा है। हम लोग मानव में जागरूक कर रहे हैं, एकदम जागरूक करना है, लोगों को बताना है, समझाना है। अरे एकदम वही जागरूकता भरा काम हमको करना है। देखो क्या है, जब यहाँ पे पेड़ पौधे तो बीमारी नहीं है। देखो क्या है, तुम अपने परिवार का लालन पालन जो है मेहनत मजदूरी से भी कर सकते हो। ये पेड़ काटने से कितना नुकसान होता है, इस पृथ्वी का कितना नुकसान होता है, आम जनमानस का कितना नुकसान होता है, शायद तुम्हें पता नहीं। गुलाम हसन खान नाम है मेरा। नाटक का आयोजन किया गया, क्या संदेश दिया जाता? नाटक के आयोजन में मेरा मुख्य संदेश यही है कि समाज को आज के डेट में बहुत तेजी से डेंगू फैल रहा है, उस डेंगू से कैसे हम बचे, क्या उसका कारण है, क्यों डेंगू होता है, क्या उसके लक्षण हैं और उसके बचने के क्या उपाय हैं, यही हम समाज को संदेश देना चाहते हैं।